نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدرا فیض کبر ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے جو ہے ہمارا یہ پیارا مہینہ ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے بارہ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ اس مہینے میں ہمارے آقا نامدار سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ پورا جو ہے جہاں روشن ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہم سب کو زندگی بسر کرنے کا جو ہے طریقہ ملا ہے اور جو یہ ہمارا قرآن پاک ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا تو اس بابرکت مہینے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس پر مسرت موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے ہر سال کی طرح ہمارے عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے اس سال بھی شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ جو ہے 7 پروگرام اس کے ہو چکے ہیں اور آج جو ہمارا پروگرام کا ہم آغاز کریں گے وہ ہے ہمارا 8th پروگرام اور اس میں جو ہے ہمارے پاس مختلف اسکولوں سے جو ہے بچے اور بچیاں آتی ہیں ان سے ہم مختلف اقسام کے اسلامی سوال کرتے ہیں جن سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان طالب علم کی نالج میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ہمارے پروگرام کا جو آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے پھر ہم نعت شریف بھی پڑھیں گے ہمارے پروگرام میں اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سوالات اور جوابات کا جو ہے سلسلہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحة الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اب جو ہے ہم نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نعت پڑھیں گے اس کے بعد ہم سوالات کی جانب جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے
ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मेरे आका का रोजा मदीने में है। सुभान अल्लाह, जो है हमने सबसे पहले तिलावत कुरान पाक की और फिर जो है हमने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। अब जो है हम अपने शान मुस्तफ़ा क्विज कंपटीशन के 8वें प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाते हुए, हमारे पास माशाल्लाह से जो एक टीम है शाहीन पब्लिक स्कूल से टीम मौजूद है, मेंटोर मून स्टार पब्लिक स्कूल से टीम मौजूद है, और एक जो हमारी टीम है न्यू ईडन की। तो सबसे पहले तारुफ कराएंगे, तमाम टीमें अपना तारुफ कराएं, उसके बाद हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तारुफ करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरिशा खान एंड मैं शान स्कूल से आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरिबा और मैं शान स्कूल से आई हूँ। माय नेम इज़ जिया एंड मैं मून स्टार स्कूल से। मेरा नाम इकरा है और मैं मून स्टार स्कूल से आई हूँ। मेरा नाम तूबा है, मैं न्यू ईडन ग्रामर पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरा नाम इकरा है और मैं न्यू ईडन ग्रामर पब्लिक स्कूल से हूँ। माशाल्लाह, सब टीमों ने जो है अपना अपना तारुफ करवाया। अब हमारे पास जो इस प्रोग्राम में होते हैं 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में हम तमाम टीमों से 5-5 सवालात करेंगे, फिर दूसरे राउंड में भी हम 5-5 सवालात तीनों टीमों से करेंगे, और उसके बाद जो हमारा जो तीसरा राउंड होता है वो 5वीं क्लास की इस्लामियात की किताब से होता है। और हम जो आप लोगों के पास मैं सवाल पूछूँगी, आप लोगों के पास 10 सेकेंड का टाइम होगा और आप 3 बार सवाल को रिपीट भी करवा सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल से, राउंड नंबर 1 का पहला सवाल है। पहला सवाल मेरा है शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से, सवाल नंबर पहला, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ उस्तादा के नाम बताएं। आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत मौलाना शाह वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा हिदायतुल्लाह ख़ान रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब जो है बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारे पहले राउंड का जो है पहला सवाल है मून स्टार वालों से, वो हमें जवाब देंगे। सवाल है, मजलिस में जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो दुरूद का क्या हुक्म है? हर जगह जिक्र में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, बल्कि अगर ख्वा खुद ना मकदस ले या किसी और से सुने, हर जगह जिक्र में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, ख्वा खुद ना मकदस ले या किसी और से सुने। अगर एक मजलिस में 100 बार जिक्र आया हो तो हर बार दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, अगर ना मकदस ले लिया जाए और दुरूद ना पढ़ा हो तो किसी दूसरे वक्त पढ़ लें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम हमारे पहले राउंड का पहला सवाल जो करेंगे न्यू ईडन स्कूल से करेंगे। मेरा पहला सवाल है इनसे, रोज़ाना कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा वो किसी का मोहताज ना होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम हमारे पहले राउंड के दूसरे सवाल की जानिब जाएंगे। पहले राउंड का दूसरा सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से, वो हमें जवाब देंगे। सवाल है, आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह रहमान के कोई दो उस्तादा के नाम बताएं। रिपीट करना क्वेश्चन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैह रहमतुल्लाह रहमान के कोई दो उस्तादा के नाम बताएं। वालिद मादिद इमाम मुतकमिन रहमतुल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती नकी अली ख़ान, हज़रत सैयदना शाह अबुल हुसैन रहमत नूरी रहमतुल्लाह अलैह।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारे जो है पहले राउंड का दूसरा सवाल है मून स्टार पब्लिक स्कूल वालों से। सवाल है, फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने से क्या मुराद है? फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने से मुराद दुआएं रहमत करना है। जवाब रिपीट करें। फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने का मतलब दुआएं रहमत करना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो हमारे पहले राउंड का दूसरा सवाल है न्यू इडन स्कूल वालों से, वो हमें बताएंगे। सवाल है, खाने काबा कितनी बार तामीर किया गया? शरह बुखारी अलामा मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद कतलानी फरमाते हैं खाना काबा की तामीर 10 मरतबा की गई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारे पहले राउंड के जो है तीसरे सवाल की जानिब जाएंगे। पहले राउंड का तीसरा सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से, वो हमें बताएंगे। सवाल है, हज़रत सैयदना शाह आले अहमद अच्छे मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत कब हुई? हज़रत सैयदना शाह आले अहमद अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह की विलादत कब हुई? हज़रत सैयदना शाह अहमद आले अच्छे मियां की विलादत 28 रमजान मुबारक 1160 में हुई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अब हमारे पहले राउंड के तीसरा सवाल है पहले राउंड का मून स्टार स्कूल वालों से, वो हमें जवाब देंगे। पहले राउंड के तीसरे सवाल का, दुआ कब ज़मीन और आसमान के दरमियान मौलिक रहती हैं? जब ताजदार रहमत अलमयान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाए, दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मालूक यानी लटकी रहती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का तीसरा सवाल है न्यू इडन स्कूल वालों से है मेरा सवाल है, रोज़े जुम्मा 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है? जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम पर जुम्मे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, उसके एक बरस के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रिपीट। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम पर जुम्मे के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, उसके एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बता। हज़रत सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर रोज़े जुम्मा 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है? दोनों में से कोई भी बता सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम पर जुम्मे के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से उसके एक बरस के गुनाह माफ हो जाता है। आप बता सकते हैं, दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। अब लास्ट चांस है आप लोगों के पास। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुम्मे के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके एक बरस के गुनाह माफ, उसका अल्लाह ताला पर हक है कि उसके एक बरस के गुनाह माफ। कन्फर्म? एक लास्ट टाइम, जल्दी बताओ, अब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। टाइम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुम्मे के दिन 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करेगा, उसी के इस बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आपका जवाब गलत है, 80 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब हम अपने पहले राउंड का चौथा सवाल जो पूछेंगे शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से। पहले राउंड का चौथा सवाल है, आला हज़रत पर रहमतुल्लाह ताला अलैह को इल्म तौकीद पर किस दर्जे का कमाल हासिल था? आपको इल्म तौकीद पर इस दर्जे का कमाल हासिल था कि दिन को सूरज और रात को सितारे देखकर घड़ी मिला लेते थे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का चौथा सवाल है मून स्टार वालों से। पहले राउंड का चौथा सवाल है कि सवाल, दिन और रात में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है? हदीस पाक में है कि एक दफ़ा सवाल करना।
दिन और रात में तीन तीन मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है? हदीस पाक में है कि जिसने मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से दिन और रात में तीन तीन मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके दिन और रात के गुनाह बख्श दे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का चौथा सवाल है न्यू ईडन वालों से। पहले राउंड का चौथा सवाल है, सवाल वो कौन सा पत्थर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में दो जगह फरमाया गया है? खाना काबा की तामीर के दौरान दीवारें सर से ऊंची हो गईं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर खड़े होकर दीवारों को मुकम्मल फरमाया और आपका मुआजजा था कि दीवारें पत्थर मोम की तरह नरम हो गए और उनके कदमों के निशान पर नक्श हो गए। इसी की वजह से इस पत्थर की अजमत को चार चांद लग गए और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी अजमत का खुतबा फरमाया और इसे मुकाम इब्राहिम कहते हैं। वापस रिपीट करें, वो कौन सा पत्थर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में दो जगह फरमाया गया है? खाना काबे के वक्त दीवारें सर से ऊंची हो गई थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पत्थर पर खड़े होकर दीवारों का मुकम्मल फरमाया, आपका मौजज़ा था कि वह पत्थर मोम की तरह नरम होंगे और कदमों के निशानात पर नक्श होंगे। यूं ही उस पत्थर की अजमत और फजीलियत में चार चांद लगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दो जगह इसकी अजमत का खिताब इरशाद फरमाया है, इसे मुकाम इब्राहिम भी कहते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारे पहले राउंड का जो है पांचवा और आखिरी सवाल है शाहीन पब्लिक वालों से। पहले राउंड का पांचवा और ये आखिरी सवाल है, ये लोग जवाब देंगे। सवाल है, अल्लाह अज़ वजल के दुरूद भेजने से क्या मुराद है? अल्लाह अज़ वजल के दुरूद भेजने से मुराद रहमत नाजिल फरमाना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल वालों ने अपने पहले राउंड के पांचों सवालात के जो है सही जवाबात दे दिए हैं। अब हमारे पहले राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल है मून स्टार वालों से। पहले राउंड का पांचवा और ये आखिरी सवाल है, इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह तआला अलैह ने किस चीज़ को अहले सुन्नत की इलामत करार दिया? इमाम जैनुल आबिदीन ने हज़रत सैयदना अबू हसन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर से जरूर पढ़ना आले सुन्नत की इलामत है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। मून स्टार वालों ने अपने पहले राउंड के पांचों सवालात के जो है सही जवाबात दिए हैं। अब हमारे पहले राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल है न्यू ईडन वालों से, वो हमें पहले राउंड के पांचवे और आखिरी सवाल का जवाब देंगे। सवाल है, किस खातून ने रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकान आदिशान के पास मस्जिद बनवाई? खलीफा हारून रशीद की वालदा ने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। पर न्यूडन वालों से जो है एक गलती हुई है, अपने पहले राउंड के जो है चारों सवालात के सही जवाबात दे गए हैं और एक जवाब में इन लोगों ने गलती की है। तो अब हम अपने हमारे जाएंगे जो दूसरे राउंड की तरफ। दूसरे राउंड में भी हमारे तीनों टीमों से जो है पांच पांच सवालात होंगे और ये उनके जवाब देंगे। अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे राउंड से भी हम पांच पांच सवालात करेंगे। तो मेरा दूसरे राउंड का पहला सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से। दूसरे राउंड का पहला सवाल है, सवाल, मौज़े ज़ियारत के लिए रोज़ा अक़दस की नियत से सफ़र मदीना करने की क्या फजीलत है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिलकसद मेरी ज़ियारत को आया वो क़यामत के दिन मेरी हिफाजत में रहेगा। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल वालों ने अपने दूसरे राउंड के पहले सवाल का सही जवाब दिया है और अब हम जो है दूसरे राउंड का पहला सवाल करेंगे मून स्टार पब्लिक स्कूल वालों से, वो हमें जवाब देंगे अपने दूसरे राउंड के पहले सवाल का। सवाल है, सजदा सहो की शरई हैसियत क्या है? सजदा सहो वाजिब है। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मून स्टार वालों ने भी अपने दूसरे राउंड का पहले सवाल का सही जवाब दिया है। अब हम दूसरे राउंड का पहला सवाल करेंगे न्यू ईडन स्कूल वालों से, वो हमें जवाब देंगे। सवाल है, रोज़ा से क्या मुराद है? रोज़े से मुराद इबादत की नियत से सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने वगैरह से बाज रहें। अगेन रिपीट करें,
सवाल है, रोज़ा से क्या मुराद है? रोज़े से मुराद इबादत की नियत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और वगैरह से बाज रहें। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। न्यूडिन वालों ने भी अपने दूसरे राउंड के पहले सवाल का सही जवाब दिया है। अब हम दूसरे राउंड का दूसरा सवाल करेंगे शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से। सवाल है, दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान कौन सा है? मदीना मुनवरा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जो मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मौली से भी अफजल है, क्योंकि यहाँ सबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़्यादा मज़ारात हैं, इसलिए अफजल है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर से करीब है। अगेन रिपीट, दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान कौन सा है? मदीना मुनवरा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जो मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान मदीना मुनवरा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मौली से भी अफजल है, क्योंकि यहाँ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ारात ज़्यादा हैं, इसलिए अफजल है। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल वालों ने अपने दूसरे राउंड के दोनों सवालात के सही जवाब दिए। अब हम दूसरे राउंड का जो है दूसरा सवाल शाहीन मून स्टार पब्लिक स्कूल से है। दूसरे राउंड का दूसरा सवाल है, सजदा तिलावत से क्या मुराद है? सवाल, सजदा तिलावत से क्या मुराद है? कुरान पाक की कुछ बाज़ आयतों में कुरान पाक की कुछ बाज़ आयात ऐसी है जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा किया जाता है, उसे सजदा तिलावत कहते हैं। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मून स्टार वालों ने अपने जो दूसरे राउंड का दूसरे सवाल का सही जवाब दिया है। अब हम दूसरे राउंड के दूसरे सवाल की तरफ, न्यूडिन वालों से है दूसरे राउंड का दूसरा सवाल है। गुसल मैयत के फ़राइज़ बताएं। एक मरतबा सारे जिस्म पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मरतबा सुन्नत। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम जो है दूसरे राउंड के तीसरे सवाल की जानिब जाते हैं। दूसरे राउंड का तीसरा सवाल है मेरा शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से, वो हमें बताएंगे। सवाल है, जन्नतुल बकी में कितने सहाबा इकराम अलैहि रिजवान आराम फरमा हैं? तकरीबन 10,000 सहाबा कराम अलैहि रिजवान। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम मून स्टार से दूसरे राउंड का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। सवाल है, क्या ईदें की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है? जी नहीं, ईदीन की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं बल्कि वाजिब है। माशाल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारा दूसरे राउंड का तीसरा सवाल है न्यू ईडन स्कूल वालों से। दूसरे राउंड का तीसरा सवाल है मेरा, सवाल है, क्या रोज़ा रखना फ़र्ज़ है? जी हाँ, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है बल्कि बाज़ सूरतों में नफल और वाजिब भी है। माशाल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। तीनों टीमों ने अपने दूसरे राउंड के तीनों सवालात के सही जवाबात दिए हैं। अब हम मैं जो है दूसरे राउंड के चौथे सवाल की जानिब जाऊंगी। मेरे दूसरे राउंड का चौथा सवाल है पहले शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से है, वो हमें बताएंगे। सवाल है, मक्का मुकरमा के मोहल्ले मुसफला को तारीखी हैसियत क्यों हासिल है? क्योंकि हज़रत सैदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसी महल मुबारक में रहा करते थे। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारे दूसरे राउंड का चौथा सवाल है मून स्टार वालों से। दूसरे राउंड का चौथा सवाल है, तजहीज़ो तकफ़ीन से क्या मुराद है? तजहीन से मुराद मैयत को गुसल वगैरह देना, तकफ़ीन से मुराद मैयत को कफ़न पहनाना। माशाल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे राउंड का चौथा सवाल है मेरा न्यू ईडन स्कूल वालों से है, सवाल है, क्या माँ बाप से बढ़कर भी कोई मेहरबान हो सकता है? अल्लाह अज़्ज़ल माँ बाप से बढ़कर बल्कि सबसे बढ़कर रहम और रहम
रहम और मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं। माशाल्लाह आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तीनों टीमों ने अपने दूसरे राउंड के चारों सवालात के सही जवाब दिए। अब मेरा जो है दूसरे राउंड का जो है पांचवा और आखिरी सवाल है। पांचवा और आखिरी सवाल सबसे पहला मेरा है शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से, वो बताएंगे। सवाल है, काबिल ने सैयदना हाबिल रहमतुल्लाह अलैह को कहाँ शहीद किया था? जबले सोर पर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल वालों ने अपने दूसरे राउंड के पांचों सवालात के सही जवाब दिए हैं। अब मेरा दूसरे राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल है मून स्टार वालों से है सवाल, सजदा सहु से क्या मुराद है? वाजिबात नमाज में अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए और फ़राइज है वाजिबात नमाज में भूले से ताखीर हो जाए तो कमी को पूरा करने के लिए सजदा सहु किया जाता है। माशाल्लाह आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। मून स्टार वालों ने भी अपने दूसरे राउंड के पांचों सवालात के सही जवाब दिए। अब मेरा जो है दूसरे राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल है मेरा न्यू इडन स्कूल वालों से, वो हमें बताएंगे। सवाल है, ज़कात कब फ़र्ज हुई? ज़कात 2 हिजरी में रोज़े से कबल फ़र्ज हुई। माशाल्लाह आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है 2 राउंड कम्प्लीट हुए हैं। तीनों टीमों ने शाहीन पब्लिक स्कूल वालों ने अपने दोनों राउंड के पांचों सवालात के सही जवाब दिए हैं और मून स्टार वालों ने भी अपने दोनों राउंड के पांचों सवालात के सही जवाब दिए। और न्यू इडन स्कूल वालों से जो है एक सवाल की गलती हो गई है, तो इनके पहले राउंड के 4 सवालात सही है और दूसरे राउंड के पांचों सवालात सही है। अब जो हम जाएंगे हमारे तीसरे राउंड की तरफ, और तीसरा राउंड जो हमारा होता है वो इस्लामियात की 5वीं की किताब से होते हैं। अब हम जो है अपने तीसरे राउंड का आगाज़ करते हैं जो इस्लामियात की 5वीं की किताब से, और न्यू इडन स्कूल जो है हमारे मुकाबले से आउट हो गए हैं। तो अब हमारा जो मुकाबला होगा वो 2 टीमों के दरमियान होगा, एक शाहीन पब्लिक स्कूल वालों से और एक मून स्टार के दरमियान होगा। सवाल है मेरा, मुआक़ात जिस ज़बान का लफ्ज़ है वो है इब्रानी, अरबी, फ़ारसी या सिरानी? अरबी। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा तीसरे राउंड का दूसरा सवाल है मून स्टार वालों से, मुहाजरीन का मतलब क्या है? मदद करने वाले, हिजरत करने वाले, इबादत करने वाले, भाईचारा? हिजरत करने वाले। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारे तीसरे राउंड के दूसरे सवाल की जानिब जाते हैं। सही या गलत में जवाब देना है आपको। सवाल है मेरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई में खुद हिस्सा नहीं लिया था? गलत। मेरा तीसरे राउंड का दूसरा सवाल है मून स्टार वालों से, मदीना के 3 अतराफ से मैदानी इलाका था? सही। आपका जवाब गलत है। जो हमारा जो मुकाबले के विनर हैं वो शाहीन पब्लिक स्कूल वाले हुए हैं, और बाकी टीमें अपना दिल छोटा ना करें, हार जीत तो एक ऐसा ही होता है, बस मुकाबले में हिस्सा लेना ही एक बड़ी बात होती है। तो मुबारकबाद हो शाहीन स्कूल वाले, हमारे जो 8वें प्रोग्राम के विनर हैं। मजीद खबरन आई तफसीलात लाए विजिट कयो असा जी वेबसाइट www.awaminewshd.com। आई दिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।